वैसो गाइज आई होप यू आर इन वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल योर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टार्ट करेंगे क्विज के साथ में। ये क्विज आप लोग अच्छे से पढ़िए, इस पूरे क्विज का आंसर आप लोग को वीडियो के अंदर ही मिलेगा। तो फिर वीडियो के एंड में फिर से आप लोगों को क्विज दूंगा, जिससे आप लोग ये देख पाए कि कितना अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना है, तो उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। तो इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो यहीं पर ही 3 बार आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? तो अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर नेक्स्ट डे रिवीजन कराऊंगा, एक तरीके से आंसर दूंगा, तो फिर एक बार रिवीजन हो जाएगा, तो लंबे समय तक चीजें आप लोग याद रख पाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग छोटी सी बात जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, शेयर क्या करनी, आप लोगों के द्वारा ही बताई गई, मेरे तो दिमाग से ही निकल गई थी। आज 24th of November है, आज ही के दिन आप लोग का परिवार स्टेब्लिश किया गया था इनके, एक तरीके से हमारा जो एसएलवी फैमिली का चैनल है, आज ही के दिन ये चैनल मैंने क्रिएट किया था। जिस दिन यहाँ पर ये चैनल क्रिएट किया गया, तो 24th of November 2016 था, यानी कि 4 साल पूरे हो चुके हैं आज के दिन इस चैनल को। और जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी यूट्यूब पर, कहीं पर भी मैंने सबसे पहले अगर कहीं पढ़ाया तो वो यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर, तो वो 28th of November यानी कि आने वाले 4 दिन बाद में मैंने वीडियो अपलोड की थी। यानी कि जैसे ही चैनल बनाया उसके 4 दिन बाद में फिर मैंने वीडियो अपलोड की थी। उससे पहले पूरा एक प्रैक्टिस की थी मैंने, लगभग 2-3 महीने तक कॉन्टिन्यूअस उससे पहले खुद वीडियो बना बनाकर मैंने डिलीट की थी, अपने आप ही लगा रहा था। जब मुझे लगा कि हाँ अब मैं कुछ कुछ पढ़ाने लायक हो गया हूँ, जब मुझे लगा कि हाँ वीडियो अपलोड करने लायक हो गया हूँ, तो तब जो थी वो मैंने वीडियो अपलोड की थी। वो वीडियो भी चैनल पर है, जाकर सर्च कर सकते हैं आप लोग, 28th of November 2016 का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन। तो काफ़ी ओल्ड आप लोगों को लगेगा जब वो वाली वॉइस आप लोग सुनेंगे, हालांकि उस टाइम पर सॉफ्टवेयर भी अप टू द मार्क नहीं थे, तो सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही थे जैसे तैसे काम किया गया था उस टाइम पर, और लैपटॉप भी ऐसा ही था बस, हाँ कि काम चल रहा था, क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास में कुछ भी नहीं था, बस उसी से मैंने लेक्चर बनाना स्टार्ट किया था, जो भी मुझे पता था अपनी नॉलेज के हिसाब से वही चीज़ें मैंने स्टार्ट की थी। तो उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, वो टोटली जो है अवेलेबल है वीडियो, उस वीडियो को देखेगा तो आप लोगों को कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेगी। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। अच्छा लगा जब आप लोगों ने खुद ने ही बताया कि सर आज तो जो है आज के दिन चैनल क्रिएट किया गया था, तो एक्चुअली मेरे तो दिमाग से बिल्कुल निकल चुका था, ठीक है? क्योंकि आजकल टाइम जो है बिल्कुल ऐसे ही रहता है, एक तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है काफ़ी सारा, ऊपर से हाथ की पट्टियाँ वट्टियाँ कराना और उसमें रहता है कई सारे वो, नहीं है थोड़ा काम और ज़्यादा टफ होने लगता है थोड़ा, तो इसलिए इधर से बिल्कुल माइंड हट ही गया था। तो आप लोगों ने जब बताया मॉर्निंग वाले वीडियो में, याद ही नहीं था वरना उसी में मेंशन करता, काफ़ी अच्छा लगा सुनकर, ठीक है? तो इसी इसी को तो कहते हैं परिवार, तो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, तो यही एक बेसिकली परिवार की एक थीम होती है। आइए बात करते हैं आज के इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बारे में। पहले ये आप लोगों के सामने यहाँ पर जो क्वेश्चन है इनको अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में फिर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इंडियन नेवी के द्वारा अभी 27th एडिशन जो इंडिया सिंगापुर की बायलेटरल जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिसको सिम्बेक्स के नाम से जाना जाता है। सिम्बेक्स का क्या मतलब हो गया यहाँ पर, ये समझ सकते हैं यहाँ पर सिंगापुर इंडिया, ठीक है? यहाँ पर ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यहाँ पर ये एक तरीके से बायलेटरल जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, तो 2020 में अभी यहाँ पर देखने को मिली, तो ये 23rd नवंबर को, ठीक है? तो ये किस एरिया में हुई एक्सरसाइज, ये आप लोगों को बताना है, यानी कि जहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। इसी के साथ में अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना कि लक्ष्मी विलास जो बैंक है वो डूबता हुआ आरबीआई के द्वारा बचाया गया, अब इस बैंक को एमलगेमेशन करने की बात की जा रही है, तो किस पर्टिकुलर बैंक के साथ में इसको मिलाया जा रहा है, ठीक है? तो ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में एक पर्टिकुलर वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, गुपकर डिक्लेरेशन, पूरा नाम जो इसका दिया गया है यह गुपकर अलायंस फॉर, यह पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन, PAGD। इससे पहले इसको किस नाम से पुकारा जाता था ये आप लोगों को बताना है, अब इसका नया नाम दे दिया है यहाँ पर ये, ठीक है? तो इससे पहले क्या नाम था वो आप लोगों को बताना है। ये बेसिकली जो अलायंस है आर्टिकल 370 या फिर आर्टिकल 35A को फिर से रिस्टोर करने, ये जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराने, जम्मू एंड कश्मीर को फिर से राज्य बनाने के लिए ये काम है बेसिकली। तो आप लोगों को ये बताना है कि पहले इसको किस नाम से जाना जाता था। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कब किया गया हमारी कंट्री में, प्रकार पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जब यहाँ पर नया राज्य बनकर आया, एक पंजाब और दूसरा हरियाणा, तो ये आप लोग को बताना है। आज की डेट में जो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, वो यहाँ पर दोनों की कैपिटल है एक तरीके से, और दोनों के बीच में डिवाइडेड है, तो 60 और 40 का रेशियो है दोनों के बीच में, तो 60 किसके हिस्से में आती है और 40 किसके हिस्से में आती है चंडीगढ़, ये आप लोग को बताना है। इंटरनेशनल जो चेरी ब्लूजम फेस्टिवल है ये कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, अब की बार ये सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ पर ये, और काफी टूरिस्ट एक्टिविटी भी देखने को मिलती है इस टाइम पर, COVID-19 की वजह से सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है, तो ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा अभी रिसेंटली कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड NCRTC, इसके द्वारा साइन की गई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एग्रीमेंट, जिसमें इसको $500 मिलियन मिलने वाले हैं और ये $500 मिलियन जो यूज किए जाएंगे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट में यूज किया जाएगा। ये काफी बिजी रूट रहता है तो इसमें यहां पर रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐड करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये बताना है कि कौन पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है यहां पर हेल्प कर रही है। तो ये है क्वेश्चन, आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो इनको अटेम्प्ट कीजिए, जैसे जैसे न्यूज डिस्कशन आगे बढ़ेगा आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होती चली जाएगी। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज की फर्स्ट न्यूज देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, डिटेल में सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहां पर बात की जा रही है इंडियन नेवी जो है उसके द्वारा अभी 27th एडिशन, अभी यहां पर एक बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज देखने को मिली सिंगापुर के साथ में, जिसको सिम्बेक्स के नाम से जानते हैं। तो सिंगापुर के नाम से जो एक्सरसाइज है उसको सिम्बेक्स के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछे सिम्बेक्स किन दो कंट्री के बीच में एक्सरसाइज है, तो ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में है। सिंगापुर जो है वो एक ऐसी कंट्री है जिसका कैपिटल भी सिंगापुर के नाम से ही है। ऊपर आप लोग देखते हैं यहां पर मलेशिया हो गया, तो मलेशियन पेनिनसुला हो गया, ये साउथ चाइना सी हो गया। इसके थोड़ा नीचे आएंगे आप लोग यहां पर तो ये स्टेट ऑफ मलक्का देखने को मिल रहा है। स्टेट ऑफ मलक्का अगर आप लोग देखेगा तो ये वो स्टेट ऑफ मलक्का है जो कि साउथ चाइना सी को इंडियन ओशन के साथ में कनेक्ट करता है, ठीक है। खासकर बोलूं तो अंडमान निकोबार वाले एरिया में आप लोगों को पहुंचा देता है अगर इसके थ्रू आते हैं तो। थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझना चाहते हैं, अगर माइंड में कंफ्यूजन है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसको पहले जूम आउट करता हूं तब आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बेसिकली यहां पर ये है पर्टिकुलर अपनी प्यारी कंट्री। थोड़ा सा आप लोग नीचे आएंगे तो यहां पर अंडमान सी देखने को मिल रहा है, इसके नीचे यहां पर मलक्का स्टेट देखने को मिल रहा है। इसको अब जूम करके आप लोगों को दिखाता हूं, यहां पर ये मलक्का स्टेट है। मलक्का स्टेट से अगर होते हुए आप लोग जाते हैं तो यहां से आप लोग देखिए कि अंडमान सी में आप लोग पहुंच जाते हैं। मलक्का स्टेट हो गया, यहां से सिंगापुर से होते हुए यहां पर आएंगे तो ये हो गया गल्फ ऑफ थाईलैंड, और थोड़ा सा अगर इसको इधर लेकर चलेंगे तो यहां पर ये हो गया साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी को अंडमान सी या फिर मोटे मोटे तौर पर इंडियन ओशन या फिर बे ऑफ बंगाल, कोई भी टर्म अगर लिखी हुई है तो सारा एक ही बात है। बे ऑफ बंगाल बोले, अंडमान सी बोले, नीचे ये सारा पूरा इंडियन ओशन आप लोगों को देखने को मिलता है, इसी का पार्ट है, तो ये सारा एक ही बात है। तो अंडमान निकोबार वाले एरिया के साथ में यहां पर मलक्का स्टेट से आप लोग गल्फ ऑफ थाईलैंड में पहुंच सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया में यहां पर अभी रिसेंटली एक्सरसाइज हो रही है। तो सिम्बेक्स जो है यहां पर ये अभी हमारी कंट्री और सिंगापुर के बीच में 27th एडिशन है, ठीक है। ये कंटिन्यू है, ये जो एक तरीके से जो इस महीने की 25th तक यहां पर कंटिन्यू रहने वाली है, यानी कि 23 से चलिए 25 तक कंटिन्यू यहां पर रहने वाली है। सिम्बेक्स जो सीरीज है यहां पर इंडियन नेवी और जो रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है इसके द्वारा कंडक्ट कराई गई थी एनुअली 1994 से इसको स्टार्ट किया गया। इसी के दो साल पहले एक और एक्सरसाइज थी जिसका नाम आप लोगों को बताना है, वो इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज है जिसमें आज के में ऑस्ट्रेलिया भी इसी साल इसको ऐड किया गया है। तो उस एक्सरसाइज का नाम आप लोग बताइए, स्टार्ट की गई थी यूएसए के साथ में 1992 में, उस एक्सरसाइज का नाम आप लोगों को बताना है। बेसिकली किस तरीके से म्यूचुअल इंटरऑपरेबिलिटी यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम कैसे कर सकते हैं और बेस्ट प्रैक्टिस एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कैसे आगे लेकर चल सकते हैं, ये बेसिक इसका पर्पज रहता है। तो सिम्बेक्स एक्सरसाइज थी यहां पर, ये लोकेशन भी आप लोगों को दिखाई, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग इसको बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में भी एक बैंक न्यूज में था जिसका नाम था लक्ष्मी विलास बैंक। ये बैंक जो था आरबीआई ने इसको मॉरिटोरियम पे रख दिया, इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो फंक्शनिंग थी उसको रोक दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। फंक्शनिंग रोकने का मतलब ये कि लिमिटेड कर दिया, रोकी बिल्कुल नहीं है, जिसमें आप लोग पैसा जो है लिमिटेड निकाल पाएंगे सेविंग अकाउंट से 25,000 रुपए और करेंट अकाउंट से 50,000 रुपए मैक्सिमम लिमिट यहां पर लगा दी गई है। मॉरिटोरियम होता है एक तरीके से रोक लगा देना, और इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो है कि इसको मर्ज करने का भी एक प्रस्ताव लाया गया है जिसमें यहां पर इसको मर्ज किया जाएगा DBS बैंक। DBS क्या है यहां पर, ये एक बैंक है सिंगापुर का, जैसे हमारी कंट्री में आप लोग बोल सकते हैं SBI, हमारी कंट्री के SBI की ब्रांच भी बाहरी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से सिंगापुर का बैंक है DBS, जो उसकी इंडियन ब्रांच है उसके साथ में इसको मर्ज करने की बात की जा रही है, तो इससे इस बैंक को जो डूब रहा है इसको बचाया जा सकेगा। तो फाइनेंशियल जो पोजीशन है लक्ष्मी विलास बैंक की वो काफी बुरी कंडीशन में हो गई, NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ना स्टार्ट हो गया, इसी के साथ में बाहर से
जो लिक्विडिटी है वो भी ये नहीं उठा पा रहे थे, अंदर की जो लिक्विडिटी है वो खत्म होती जा रही थी, तो फिर बैंकिंग फंक्शनिंग जो है वो होना बेसिकली टप पड़ने लगा। तो उस टाइम पर सोचा क्या किया जाए, तो बैंक जो है अब उसको मॉरिटोरियम पे रख दिया गया है। तो आज की डेट में कस्टमर और जो इसके अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सेफ रखा जाएगा। तो सिंगापुर बेस्ड जो DBS बैंक है वो यहां पर इंडियन बैंकिंग सिस्टम में और बिजनेस में काफी बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसके साथ मिलकर यहां पर इसको स्ट्रेंथ किया जा रहा है। तो ये है एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि क्वेश्चन बने, तो इसके बारे में आइडिया जरूर रखिएगा, ठीक है। तो ये था जो कि देखिए दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो कौन सा बैंक था अभी जिसको मॉरिटोरियम यहां पर RBI ने प्लेस किया उसके ऊपर, दूसरा किस बैंक के साथ में उसको मर्ज किया गया है। तो ये दो तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ओके। और स्टेटमेंट देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ दिनों पहले कौन सा बैंक था जो अभी न्यूज में था ऐसी तरीके प्रक्रिया की वजह से, तो वो था यस बैंक। तो यस बैंक की भी खस्ता हालत हो गई थी, तो इसलिए यहां पर अभी ये बैंक न्यूज में है। तो बैंकिंग सिस्टम को सुधारने की काफी ज्यादा जरूरत है, ठीक है, तो इसलिए यहां पर इसके बारे में आइडिया रखना। इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां पर बात की जा रही है गुपकर डिक्लेरेशन के बारे में। गुपकर डिक्लेरेशन को गुपकर अलायंस के नाम से भी बोला जाता है, और पूरा नाम इसका रख दिया गया पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन। पहले इसको ओनली गुपकर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता था, अभी फिलहाल इसका नाम गुपकर अलायंस कर दिया गया, पूरा पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन यानी कि PAGD इसका नाम कर दिया गया है। नवंबर के महीने में, अभी रिसेंटली यहां पर नवंबर दिसंबर के महीने में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन यहां पर देखने को मिले, तो उसमें कई सारे जो लीडर थे वो यहां पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और जो हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहां पर इसको गुपकर गैंग के नाम से जानती है। यानी कि क्योंकि कंट्री में जिस तरीके से हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 को हटाया गया और उसका सबने सपोर्ट किया, गुपकर डिक्लेरेशन उसके अपोज में है, तो यहां पर उसी के चलते यहां पर ये अभी न्यूज में है। गुपकर डिक्लेरेशन चाहता क्या है, गुपकर डिक्लेरेशन है क्या, उसको समझने के लिए ये वाला आर्टिकल आप लोग देखिए, बेसिकली ये वाली स्लाइड। गुपकर डिक्लेरेशन दो आ चुके हैं अभी रिसेंटली, एक गुपकर डिक्लेरेशन फर्स्ट था और दूसरा गुपकर डिक्लेरेशन सेकंड आया। गुपकर डिक्लेरेशन फर्स्ट में ये बोला गया कि जब यहां पर हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 को चेंज करने की बात चल रही थी उस टाइम पर, तो काफी सारी जो मिलिट्री है वो यहां पर मैसिव डिप्लॉयमेंट किया गया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, और इसी के साथ में जो टूरिस्ट थे उनको भी बोला गया कि जल्दी से जल्दी वो यहां पर इसको खाली कर दें, यानी कि टूरिस्ट को वहां से हटाया गया। तो पहला डिक्लेरेशन यहां पर ये बोला गया कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उसको डिस्कस करने के लिए गुपकर डिक्लेरेशन फर्स्ट आया। फिर यहां पर अगस्त 2020 को जो यहां पर 2020 में यहां पर फिर आगे चलकर क्या हुआ, यहां पर ये गुपकर डिक्लेरेशन यानी कि लगभग एक साल बाद में गुपकर डिक्लेरेशन सेकंड आया। गुपकर डिक्लेरेशन सेकंड में ये बोला गया कि जो भी अब तक यहां पर इसके अंदर चेंज किया गया, जैसे आर्टिकल 370-35 को चेंज किया गया और संविधान हटा दिया गया जम्मू एंड कश्मीर का, हमारी कंट्री का संविधान ही वहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, रिस्टोर करने की बात की जा रही है स्टेटहुड, तो वो सारी चीजें जो उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, तो गुपकर डिक्लेरेशन ये बोलता है कि पहले जैसी यथास्थिति बनाकर लेकर आओ, ठीक है, तो इसलिए यहां पर डिक्लेरेशन है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये गुपकर डिक्लेरेशन सेकंड है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो यहां पर एक मेन पॉलिटिकल पार्टी है उसने बोला भी था कि हम लोग स्ट्रगल करेंगे बिल्कुल गांधीयन फिलोसफी पर, हम लोग चाहते हैं कि यहां पर फिर से चीजों को रिस्टोर किया जाए। तो ये है गुपकर डिक्लेरेशन जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है, ये भी एक इंपोर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं काफी ज्यादा है, ये है पंजाब और हरियाणा के बीच में। देखिए कई बार हरियाणा की साइड से एक स्टेटमेंट आती है निकल के, जो पंजाब को बोलते हैं कि आप लोग क्या करो, चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दो और अलग अलग कैपिटल बनाते हैं पंजाब की और हरियाणा की। पंजाब ये चीजें मानने से मना कर देता है, पंजाब बोलता है चंडीगढ़ हम रख लेते हैं, तुम कर लो तुमको जो करना है, अपना देख लो जो बनाना है, तो वो चीजें सहमत नहीं होते हैं। तो अभी अर्लियर इस मंथ फिर से यहां पर ये एक्टिविटी देखने को मिली, हरियाणा के जो डिप्टी CM है उनके द्वारा बोला गया कि ये काफी अच्छा होगा अगर हरियाणा और पंजाब जो है वो एक अलग कैपिटल बनाने के लिए एक तरीके सहमत हो जाए और चंडीगढ़ को बस यूनियन टेरिटरी बनाकर छोड़ दे जाए। हालांकि चंडीगढ़ आज की डेट में भी यूनियन टेरिटरी है, पर लेकिन चाहते हैं कि पंजाब और हरियाणा का उससे कनेक्शन टूट जाए, तो इस तरीके से बात की जा रही है। और इसी के साथ में बोला गया है कि अलग अलग हाईकोर्ट यहां पर होंगे एक तरीके से चंडीगढ़ और जो हरियाणा के, सारी चीजें यहां पर अलग कर दीजिए, कैपिटल वगैरह बंच ब्रांच की जो हाई कोर्ट है वो भी यहां पर अलग कर दीजिए, तो ये बात बोली गई है। चंडीगढ़ जो है हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट सिटी है और काफी सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। तो फ्रेंच एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे फ्रांस और स्विस पर्सनैलिटी जिनका नाम था ली कार्बोजीर के द्वारा यहां पर इसको पूरा प्लान किया गया। यहां पर मैक्सिमम सिटी देखेंगे तो रोड आप लोगों को जो रोड नजर आएगी काफी चौड़ी चौड़ी है, प्रॉपर वे में इसको प्लान किया गया है। तो जो ये पहले इसको ये माना जाता था कि जो चंडीगढ़ है उसको बेसिकली जो प्लान किया गया था उसको रिप्लेस करने के लिए लाहौर को रिप्लेस करने की बात की जा रही थी, जो कि ईस्ट पंजाब आज के दिन पाकिस्तान का पार्ट है, पहले उसकी कैपिटल बनाने की बात इसको की जा रही थी, यानी कि ईस्ट पंजाब की कैपिटल बनाने की बात की जा रही थी चंडीगढ़ आजादी से पहले, पर लेकिन फिर आजादी के बाद में वो पाकिस्तान के अंदर चला गया
तो फिर कंडीशन ही चेंज हो गई। अगर 1990 अगर 1952 से और 1966 यानी कि 1966 तक की आप लोग बात करें तो हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया पंजाब से निकालकर, और चंडीगढ़ को एक तरीके से बोला गया कि यहां पर कैपिटल बनाकर रखा जाएगा। उससे पहले चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल थी, फिर यहां पर बोला गया दोनों की कैपिटल यहां पर ही होगी। पर लेकिन एक और कंडीशन लगा दी कि ये जो कैपिटल होगी चंडीगढ़, इसको यूनियन टेरिटरी में भी कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो तो डिवाइड कर दी गई दोनों के बीच में। यहां पर 60-40 के रेशियो में, यानी कि 60% पंजाब को मिला और 40% मिला यहां पर हरियाणा को, पर लेकिन यूनियन टेरिटरी बना दी गई। जो रूल रेगुलेशन इंप्लीमेंट नॉर्मली एक तरीके से यूनियन के भी यहां पर चलेंगे, ठीक है, तो वो आप लोग बोल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था कि हरियाणा को एक तरीके से क्या किया जाए कि कैपिटल जो एक तरीके से हरियाणा के लिए कोई नई कैपिटल बनाई जाए और कैपिटल जो चंडीगढ़ है वो पंजाब को दे दीजिए। इसी के साथ में फिर आगे चलकर राजीव गांधी जी के द्वारा भी बोला गया कि यहां पर जो चंडीगढ़ है वो पंजाब को दे दी जाए और हरियाणा और अलग कैपिटल बनाई जाए। पर लेकिन हरियाणा चाहता नहीं है कि सारी चंडीगढ़ कंप्लीटली यहां पर पंजाब के उसमें चली जाए, क्योंकि काफी फेमस एरिया भी आज के डेट में हो चुका है। इसी के लिए यहां पर एक अकॉर्ड भी साइन किया गया था जिसको यहां पर लोंगेवाल अकॉर्ड के नाम से जानते हैं, जो कि यही बात बोल रहा था कि चंडीगढ़ को क्या करो आप लोग, हरियाणा की कैपिटल बना दो। पर लेकिन अभी कंडीशन कुछ और है, तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, इंटरनेशनल चेरी ब्लूसम फेस्टिवल है यहां पर, ये जिसको CBF के नाम से आप लोग बोल सकते हैं। ये मेघालय के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। मेघालय हमारी कंट्री में एक नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है, अगर आप लोग देखिएगा यहां पर ये हो गया मेघालय। मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसको ओनली एक अकेला राज्य हमारी कंट्री में टच करता है, वो है आसाम, बाकी कोई राज्य टच नहीं करता है। बाकी इंटरनेशनल बाउंड्री भी एक ही है, वो है बांग्लादेश। तो आसाम ऊपर और नीचे हो गया बांग्लादेश, ये दो बाउंड्री टच करती है मेघालय को। तो मेघालय जो है उसके बारे में बात की जा रही है। यहां पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसको आप लोग बोलते हैं यहां पर चेरी ब्लूसम फेस्टिवल। ये फेस्टिवल हर साल सेलिब्रेट किया जाता है यहां पर मेघालय में, पर लेकिन अब की बार ये फेस्टिवल जो है यहां पर सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, COVID-19 के चलते इसको एक तरीके से इसको रद्द कर दिया गया अब की बार के लिए। जो कैपिटल है वो शिलोंग है, जो ओनली चेरी ब्लूसम फेस्टिवल यहां पर इंडिया के अंदर सेलिब्रेट करती है। इसी के साथ में ब्यूटीफुल जो फ्लोर है, जो आप लोगों को यहां पर फूल देखने को मिल रहा है अक्रॉस द मेघालय ड्यूरिंग दिस टाइम यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो चेरी ब्लूसम जो है ये एक तरीके से फ्लोर है जो कि पेड़ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि जीनस प्रूनस, ठीक है। तो यहां पर कई सारे ट्री आप लोगों को नजर आएंगे, खासकर इस तरीके के जहां पर ये इस तरीके के फूल देखने को मिलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का एक पर्टिकुलर राज्य है और उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा कि मेघालय के बारे में बात की जा रही है और जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है मेघालय की, हल्की सी वो भी आप लोग माइंड में जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर, ये है हमारी कंट्री में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप करने के लिए बात की जा रही है। हमारी कंट्री में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, वो यहां पर जिसके अंडर में आता है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको NCRTC बोलते हैं, इसके द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर काम करने की बात की जा रही है, जिसमें 500 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, जो कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो यहां पर प्रोजेक्ट है, जो कि बोला जा रहा है, यानी कि एक तरीके से फास्ट ट्रेन यहां पर स्टार्ट की जाएगी। तो ये जो चलेंगी यहां पर फास्ट ट्रेन, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर ये आनंद विहार हो गया, ठीक है, इधर यहां पर सराय काले खां हो गया। तो सराय काले खां से होते हुए यहां पर ये निकलती जाएगी साहिबाबाद, गाजियाबाद, दुहाई, ये पर्टिकुलर जो रीजन पड़ते हैं बीच बीच में, मुरादनगर हो गया, मोदीनगर हो गया, मेरठ साउथ हो गया, ठीक है, प्रतापपुर हो गया, ये सारा जो रीजन आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है। मेरठ कैंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मली, कैंट हर कई सारे जैसे इलाहाबाद कैंट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो कैंट वो एरिया होता है जो मेनली जो बेसिकली आर्मी के कंट्रोल में रहता है, ठीक है, तो कैंटोनमेंट एरिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो यहां से होते हुए यहां पर ये मोदीपुरम तक पहुंचेगा, ठीक है, मोदीपुरम में ये मेरठ में ही आप लोगों को एक लोकेशन यहां पर है इसके अंदर। तो ये पर्टिकुलर रूट जो कवर करना है, इसके तहत यहां पर बात की जा रही है कि 500 मिलियन का यहां पर बेसिकली इससे यहां पर हेल्प ली जा रही है, ठीक है। तो ये भी यहां पर आप लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा, अगर डिटेल में आप लोगों को देखना है तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट एक रूट बोल सकते हैं जो पर्टिकुलर इस एरिया में रहते हैं। और इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, इससे होगी कि जो दिल्ली के ऊपर जो काफी ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है कि यहां पर अगर कोई काम करने आता है तो दिल्ली में ही आकर रुक जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर मेरठ, गाजियाबाद या आसपास वाले रीजन में उधर से कोई काम करने के लिए आता है मोदीनगर वाली साइड से, तो यहां पर 55 मिनट में वो वापस घर पहुंच सकता है। तो 55 मिनट यानी कि एक घंटा भी नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये कि उसको बाहर रहकर किराया देने की कोई जरूरत नहीं है, अपना इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से अपना घर वापस जा सकता है और अपना काम कर सकता है। तो इसी के लिए यहां पर एक जो कंजेस्टेड काफी ज्यादा होता जा रहा है ये पर्टिकुलर एरिया, उसको भी यहां पर कम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इसकी वजह से काफी न्यूज में है, ठीक है।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। आइए देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में क्विज होगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है। सबसे पहले एक एक्साइज के बारे में बात की, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। नेक्स्ट हम लोगों ने लक्ष्मी विलास बैंक की क्या कंडीशन चल रही है वो समझी, इसकी जो अय्यासी है वो सामने आ गई तो अब कंडीशन खराब होगी। गुपकर डिक्लेरेशन क्या है और क्या है गुपकर डिक्लेरेशन फर्स्ट और सेकंड और पूरा नाम क्या है, वो सारी बातें हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट यहां पर चंडीगढ़ के बारे में हम लोगों को जानने को मिला, चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा और पंजाब की क्या रिएक्शन है और क्या क्या चीजें वो समझी हम लोगों ने डिटेल में। नेक्स्ट जो न्यूज थी उसमें हम लोगों ने जाना यहाँ पर, ये यहाँ पर बेसिकली चेरी ब्लूसम फेस्टिवल के बारे में और किस एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है वो देखा, काफी इंपॉर्टेंट था। और नेक्स्ट यहाँ पर याद रखिएगा जरूर, ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक, कहां पर है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, हल्का सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन कम से कम जरूर रखिएगा, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आइए अब देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो ये है एक्सरसाइज कहां पर देखने को मिली जिसका नाम था यहां पर सिम्बेक्स, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों को ये लगता है फैमिली मेंबर को कि स्टार्टिंग में क्विज नहीं होना चाहिए, तो वो स्टार्टिंग का क्विज स्किप कर सकते हैं, वो डायरेक्ट लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहां से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, डायरेक्ट लास्ट में भी क्विज है, ठीक है। अगर बात करें यहां पर आरबीआई के बारे में, तो पहले तो सिम्बेक्स एक्सरसाइज कहां पर हुई, आरबीआई के बारे में बात की जा रही है, तो किसके साथ में मर्ज करने की बात की जा रही है, लक्ष्मी विलास बैंक को। इसी के साथ में इस गुपकर डिक्लेरेशन जो यहां पर बोला गया है, पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन, इसका पहले किस नाम से पुकारा जाता था। पंजाब और हरियाणा के बारे में बात की जा रही है, तो ये रीऑर्गेनाइजेशन कब का एक्ट था जब यहां पर अलग हरियाणा राज्य निकाला गया, और कौन किस किस के हिस्से में चंडीगढ़ कैपिटल कितनी कितनी आती है। चेरी ब्लूसम जो फेस्टिवल है यहां पर, इंटरनेशनल चेरी ब्लूसम फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, एनसीआरटीसी के द्वारा किसके साथ मिलकर साइन किया गया है, पर्टिकुलर एक रूट जहां पर यह साइन किया गया एग्रीमेंट इसको डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो आइए अब कल का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड फिशरी डे, ठीक है, तो यहां पर वर्ल्ड फिशरी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, और इसके किसके द्वारा यहां पर बेसिकली अभी अवार्ड दिए गए हैं कि जोन फिशरी सेक्टर को एक तरीके से मैनेज कर रहा है। थीम क्या थी अभी बताना है, हुरिकेन का नाम बताइए जो अभी यहां पर निकारागुआ वाले एरिया में देखने को मिला। फिफ्थ प्रेसिडेंट किस कंट्री के बने रिसेंटली अभी, जिनका नाम है यहां पर मैनुअल मेरेनो, ठीक है। तो यहां पर ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जो है 5 साल में 5वें प्रेसिडेंट बन गए और इनको भी भगाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। जीपीसी की फुल फॉर्म बतानी है, कौन सा जी यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। इसी के साथ में आप लोग यहां पर यह बताना है स्कीम का नाम क्या है, CEFPPC, ये आप लोगों को बताना है, आंसर देख लेते हैं। आई होप कि आप लोगों के याद होंगी ये चीजें, अभी डिस्कस की थी कल ही। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी है पहले का आंसर, दूसरे का सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फिशरी वैल्यू चैन में जो बात की जा रही है यहां पर, ये इसकी थीम है। हुरिकेन आयोटा नाम याद रखिएगा, निकारागुआ वाले एरिया में देखने को मिला। पेरू है वो कंट्री जहां पर 5 साल में 5वें प्रेसिडेंट सामने निकल कर आए। नेक्स्ट बात की जा रही है ग्लोबल एचआईवी प्रिवेंशन कोएलिशन के बारे में, हम लोगों ने बात की थी कल। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, और ये जो स्कीम है जिसको बोलते हैं क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिवेंशन यहां पर प्रिजर्वेशन कैपेसिटी, तो ये हमारी कंट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की स्कीम है, जिसमें जो किसानों की इनकम को भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और भी कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, और फिर से आप सभी लोगों को भी कांग्रेचुलेशन, हमारा जो चैनल है वो 4 साल कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको भी बहुत सारी बधाइयां, क्योंकि ये चीजें आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाती हैं। क्योंकि देखिए मैं बेसिकली लेक्चर बना सकता हूं, पर लेकिन जो परिवार आप जोड़ते जा रहे हैं यहां पर वो आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल है। मेरा काम लेक्चर बनाना है, बाकी आप लोग बताते हो लोगों को जाकर कि हाँ इस तरीके से चैनल है, तो वो एक तरीके से आप लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है इस परिवार में, ठीक है। मैं लेक्चर आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं, पर लेक्चर को लोगों तक पहुंचाने का काम आप लोग कर रहे हैं। अगर आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है, शिक्षा जो कभी भी बांटने से घटती नहीं है, मेरी नहीं घटी तो आप लोगों की कहां से घट जाएगी, तो बांटने से बढ़ती है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, चीजों को शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचे, और जल्दी से अपने परिवार को 1 मिलियन का परिवार बनाना है। तो कहीं पर भी अगर कोई भी कमेंट करते हैं तो लिखा करें #SLV1Million, ठीक है, 1 मिलियन SLV, तो इस तरीके से आप लोग वहां पर पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, SLV 1 मिलियन। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए।